तो दोस्तों आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल डी टेक्निकल वर्ल्ड में स्वागत है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग फोनपे की एप्लीकेशन से पेमेंट करने के चार तरीकों के बारे में बात करने वाले हैं। यानी कि अगर आप फोनपे की एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं तो ऐसे में आपको पता होगा कि फ़ोनपे की एप्लीकेशन से पेमेंट करने के चार तरीके हैं। सो मैं आपको उन सभी चार तरीकों के बारे में बताने वाला हूँ और उन सभी चार तरीकों से पेमेंट कैसे किया जाता है, मनी ट्रांसफ़र कैसे किया जाता है, उसको भी करके दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो इसके लिए मैं सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन में फ़ोनपे की एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। एंड मनी ट्रांसफ़र करने से पहले आपको कुछ कंडीशंस पता होनी ज़रूरी है जो कि रिक्वायर्ड है मनी ट्रांसफ़र के लिए। पहला कंडीशन ये है कि आपका जो भी अकाउंट है वो फ़ोनपे की एप्लीकेशन में अच्छे से सक्सेसफुली बना होना चाहिए। यानी कि आपने जो भी फ़ोनपे की एप्लीकेशन में अकाउंट बना रखा है उसमें आपका बैंक अकाउंट वगैरह सब कुछ लिंक होना चाहिए, तभी यह पेमेंट आप जो भी किसी भी तरह का पेमेंट या फिर मनी ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वो सक्सेसफुली हो पाएगा। और अगर आपने फ़ोनपे की एप्लीकेशन में अकाउंट वगैरह नहीं बनाया है तो ऐसे में सबसे पहले आप जाकर के फ़ोनपे की एप्लीकेशन में अकाउंट बना लीजिए और उसके बाद उसमें जो भी बैंक अकाउंट है उसको अपने बैंक अकाउंट को इसमें ऐड कर दीजिए, तभी आप यहाँ से किसी भी तरह का पेमेंट कर पाएंगे। तो दोस्तों मान लीजिए आप अभी किसी शॉपकीपर या फिर किसी पेट्रोल पम्प के पास में हैं और ऐसे में वहाँ पर आप देखते हैं कि एक QR कोड वहाँ पर लगा हुआ है पेमेंट करने के लिए। सो आपके पास QR कोड से पेमेंट करने का ऑप्शन है, तो ऐसे में आपको मान लीजिए QR कोड से पेमेंट करना है, तो ऐसे में आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे ऊपर में यहाँ पर एक नोटिफिकेशन का बेल आइकन दिया गया है और उसी के जस्ट बगल में QR कोड का आइकन भी दिया गया है। सो आपको यहाँ पर QR कोड से पेमेंट करने के लिए इस QR कोड का जो आइकन है इस पर क्लिक करना पड़ेगा। सो आप यहाँ पर इस ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए एंड इसके बाद आपका जो कैमरा है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। एंड इसके बाद जो भी QR कोड आपके सामने में है उस QR कोड को इस कैमरा के आगे में रख दीजिए अच्छे से। सो ये जो QR कोड है इसको मैं इसके सामने में रख देता हूँ एंड कुछ इसी तरह आपको भी इस QR कोड को इसके सामने में रखना पड़ेगा। एंड इसके बाद ये जो भी QR कोड है इसको अच्छे से स्कैन करने के बाद आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे ऊपर में जिसका भी QR कोड है उसका नाम आपको सबसे ऊपर में शो करेगा और जो भी नेम है उसी के जस्ट नीचे में एक ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा एंटर अमाउंट करके। सो आपको यहाँ पर जितना भी अमाउंट पे करना है, आप जितना भी अमाउंट उस सामने वाले पर्सन को ट्रांसफ़र कर रहे हैं या फिर पे कर रहे हैं, आप उतना अमाउंट यहाँ पर एंटर कर दीजिए। और अमाउंट एंटर करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे नीचे में एक उसी के जस्ट नीचे में एक ऑप्शन दिया गया है ऐड अ मैसेज, जो कि ऑप्शनल है, आप अपने हिसाब से इसमें कोई भी मैसेज ऐड कर सकते हैं। सो ये ऑप्शनल है, आपका मन आप दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। सो मान लीजिए मैं इसको यहाँ पे छोड़ देता हूँ और उसी के जस्ट नीचे में एक ऑप्शन है डेबिट फ्रॉम करके और यहाँ पर आपको एक बैंक अकाउंट शो कर रहा है जो कि क्योंकि मैंने यहाँ पर सिर्फ एक ही बैंक अकाउंट को इसमें लिंक कर रखा है। अगर आपने यहाँ पर इस फ़ोनपे की एप्लीकेशन में एक से अधिक बैंक अकाउंट लिंक कर रखा है तो ऐसे में आपको यहाँ पर टोटल बैंक अकाउंट जितने भी बैंक अकाउंट आपने लिंक कर रखा है वो सभी बैंक अकाउंट आपको यहाँ पर शो करेंगे। तो आपको यहाँ पर जिस भी बैंक अकाउंट से पेमेंट कटवाना है आप उस बैंक अकाउंट को यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। चूँकि मेरे केस में एक ही बैंक अकाउंट है तो यह ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो भी बैंक अकाउंट मैंने यहाँ पर ऐड कर रखा है उसको सेलेक्ट कर लिया गया है। तो इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं इसी के जस्ट नीचे में एक ऑप्शन दिया गया है ऐड अनदर बैंक अकाउंट का। सो आप चाहे तो यहाँ पर इस ऑप्शन पे क्लिक करके किसी और बैंक अकाउंट को भी ऐड कर सकते हैं और उसी से पेमेंट कटवा सकते हैं। बट अगर आप ऐड अनदर बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके दूसरा बैंक अकाउंट ऐड कर रहे हैं तो ऐसे में आपको एक बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि आप जिस भी बैंक अकाउंट को उसके साथ लिंक कर रहे हैं वो बैंक अकाउंट आपके नाम से ही होना चाहिए और साथ ही साथ उसमें जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है वो मोबाइल नंबर आपके फ़ोनपे की एप्लीकेशन के साथ मिलना चाहिए। यानी कि फ़ोनपे की एप्लीकेशन में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है और आपके बैंक अकाउंट में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है वो दोनों मोबाइल नंबर सेम होना चाहिए। सो मान लीजिए आपने यहाँ पर सब कुछ सेलेक्ट कर लिया है, यानी कि जितना अमाउंट आपको यहाँ पर एंटर करना है आपने इसको एंटर कर दिया और उसके बाद आपको जिस भी बैंक अकाउंट से पेमेंट करना है आपने उसको भी सेलेक्ट कर लिया। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे नीचे में एक ऑप्शन दिया गया है पे करके। सो आपको यहाँ पर इस पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा एंड इसके बाद आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको
UPI पिन एंटर करना पड़ेगा, यानी कि आपने फ़ोनपे की एप्लीकेशन में जो भी UPI पिन बना रखा है आप उस UPI पिन को एंटर कर दीजिए। और अगर आपको UPI पिन के बारे में नहीं पता तो मैं आपको बता दूँ, फ़ोनपे या गूगल पे या किसी भी तरह की पेमेंट एप्लीकेशन से मनी ट्रांसफ़र करने के लिए आपको UPI पिन बनाना पड़ता है। सो UPI पिन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी तरह के ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए, चाहे आप बैंक अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र कर रहे हैं या फिर आप बैलेंस चेक कर रहे हैं या फिर किसी भी तरह का ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको UPI पिन की ज़रूरत होती है। अगर आपने अपना UPI पिन नहीं बनाया तो आप सबसे पहले अपना UPI पिन बना लीजिए, एंड इसके बाद आपका जो भी UPI पिन है आप उस UPI पिन को यहाँ पर एंटर कर दीजिए। एंड ऐसा करने के तुरंत बाद आपका जो भी बैलेंस है, आपने जितना भी अमाउंट यहाँ पर एंटर किया था, वो अमाउंट आपके बैंक अकाउंट से कट के सामने वाले पर्सन के बैंक अकाउंट में पहुँच जाएगा। तो दोस्तों ये तो हुआ फ़ोनपे की एप्लीकेशन से पेमेंट करने का पहला तरीका। सो अब हम बात करते हैं फ़ोनपे की एप्लीकेशन से पेमेंट करने के दूसरे तरीके के बारे में, और दूसरा तरीका है मोबाइल नंबर। मान लीजिए आप किसी फ्रेंड वगैरह के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो आप उसमें उसका जो भी मोबाइल नंबर उसके बैंक अकाउंट से रजिस्टर्ड है, और साथ ही साथ उसके फ़ोनपे की एप्लीकेशन या फिर गूगल पे की एप्लीकेशन के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है, आप उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर एंटर करके पेमेंट कर सकते हैं। सो आप इस बात का ध्यान रखिए, आप यहाँ पर जिसका भी मोबाइल नंबर एंटर कर रहे हैं उसका मोबाइल नंबर फ़ोनपे की एप्लीकेशन में रजिस्टर्ड होना चाहिए, तभी आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो पाए। सो मोबाइल नंबर एंटर करके पैसा डालने के लिए आपको यहाँ पर सिंपली यहाँ पर ट्रांसफ़र मनी का एक ऑप्शन है, और उसी ऑप्शन में से एक नीचे में एक ऑप्शन दिया गया है टू मोबाइल नंबर करके, तो आप यहाँ पर टू मोबाइल नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए, और इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। सो मान लीजिए मैं यहाँ पर आपको एक मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करके आपको दिखा देता हूँ। सो यहाँ पर मैंने एक मोबाइल नंबर एंटर कर दिया है, और इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं नीचे में एक ऑप्शन दिया गया है एंटर अमाउंट। सो आपको यहाँ पर जितना भी अमाउंट सेंड करना है आप उतना अमाउंट यहाँ पर एंटर कर दीजिए, एंड इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे नीचे में एक ऑप्शन दिया गया है सेंड करके बिल्कुल लास्ट में। सो आपको यहाँ पर इस सेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा, एंड इसके बाद आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको बिल्कुल पहले के ही जैसा UPI पिन एंटर करना पड़ेगा, यानी कि आपका जो भी फ़ोनपे की एप्लीकेशन में UPI पिन है आप उस UPI पिन को यहाँ पर एंटर कर दीजिए, एंड इसके बाद आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा। सो अब मैं आपको फ़ोनपे की एप्लीकेशन से पेमेंट करने के तीसरे तरीके के बारे में बताने वाला हूँ, और जो तीसरा तरीका है वो है बैंक अकाउंट नंबर ऐड करके। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रांसफ़र मनी में जो सेकंड नंबर पे एक ऑप्शन है टू बैंक और UPI आईडी करके एक ऑप्शन है। सो आप यहाँ पर इस ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए, एंड इसके बाद आप यहाँ पर किसी भी बैंक अकाउंट में पैसा एंटर कर सकते हैं। मान लीजिए आप किसी के बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको सबसे पहले उस व्यक्ति के बैंक अकाउंट की डिटेल्स को यहाँ पर फिल करना पड़ेगा, और डिटेल्स को फिल करने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे नीचे में एक ऑप्शन दिया गया है प्लस का एक आइकन है, प्लस टाइप का एक आइकन दिया गया है। सो आप यहाँ पर इस आइकन पर क्लिक कर दीजिए, एंड इसके बाद जो भी सामने वाले पर्सन का जो भी अकाउंट है आप उस अकाउंट को पहले उसकी इन्फॉर्मेशन को अच्छे से फिल कर लीजिए। उसके बाद मान लीजिए यहाँ पर उस सामने वाले पर्सन का जो है स्टेट बैंक में अकाउंट है, सो मैं यहाँ पर स्टेट बैंक को सेलेक्ट कर लेता हूँ, एंड इसके बाद आपको यहाँ पर उस व्यक्ति के अकाउंट की सारी डिटेल्स यहाँ पर फिल करनी पड़ेगी, जैसे कि उसका बैंक अकाउंट का जो भी नंबर है बैंक अकाउंट नंबर, एंड उसके बाद IFC कोड, एंड उसके बाद अकाउंट होल्डर नेम, उसका जो भी नेम है बैंक अकाउंट में जो भी नेम रजिस्टर्ड है वो नेम आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए, एंड सारी इन्फॉर्मेशन को फिल करने के बाद भरने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे नीचे में एक ऑप्शन दिया गया है कन्फर्म का। सो आप यहाँ पर इस कन्फर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए, एंड ऐसा करने के तुरंत बाद जो भी बैंक अकाउंट आपने यहाँ पर जिसके भी इन्फॉर्मेशन फिल की है उस वो बैंक अकाउंट आपको यहाँ पर शो करेगा। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर दो बैंक अकाउंट पहले से लिंक कर रखा है। सो अभी आपने जिस भी बैंक अकाउंट को लिंक किया था वो बैंक अकाउंट आपको इस पेज में दिखाई देगा, और इसके बाद आप यहाँ पर उस बैंक अकाउंट में क्लिक कर दीजिए जिसको अभी अभी आपने ऐड किया है और जो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा। सो मैंने यहाँ पर पहले से कुछ बैंक अकाउंट को लिंक कर रखा है, तो मैं यहाँ पर आपको किसी एक बैंक अकाउंट पर क्लिक करके उसमें पेमेंट कैसे किया जाता है वो करके दिखा देता हूँ। और इसके बाद आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पर आपको जितना भी अमाउंट एंटर करना है आप उतना अमाउंट यहाँ पर एंटर कर दीजिए, एंड इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं डेबिट फ्रॉम का एक ऑप्शन है जिसमें कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया यानी कि मेरा जो भी बैंक अकाउंट है वो ऑलरेडी यहाँ पर सिलेक्टेड है, और मनी एंटर करने के बाद
यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे नीचे में एक ऑप्शन है डन का, आपके कीबोर्ड में आपको यहाँ पर डन का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। सो आप यहाँ पर डन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए एंड ऐसा करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंड का एक ऑप्शन आ गया है, तो आपको यहाँ पर सिंपली इस सेंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड इसके बाद आपके सामने बिल्कुल पहले की तरह एक नया जो भी UPI पिन का पेज वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले आपका फ़ोनपे की एप्लीकेशन में जो भी UPI पिन है आप उस UPI पिन को यहाँ पर एंटर कर दीजिए एंड इसके बाद आपका जो भी पेमेंट है वो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट से कट के उस व्यक्ति के बैंक अकाउंट में पहुँच जाएगा जिसका भी बैंक अकाउंट आपने यहाँ पर लिंक कर रखा है। तो कुछ इस तरह से आप बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सो अब हम लोग बात करते हैं फ़ोनपे की एप्लीकेशन से पेमेंट करने के चौथे तरीके के बारे में, यानी कि फोर्थ नंबर का जो तरीका है वो है UPI ID के ज़रिए। तो दोस्तों अगर आपको UPI ID क्या होता है ये नहीं पता है तो मैं आपको बता दूँ, आप जब भी फ़ोनपे की एप्लीकेशन या फिर गूगल पे या फिर किसी भी तरह की पेमेंट का जो भी ऐप्स है उन सभी ऐप्स में अगर आप अकाउंट बनाते हैं तो ऐसे में आपका एक UPI ID ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। आपका भी एक UPI ID ज़रूर होगा, आप चाहे तो उसको अपने पर्सनल डिटेल्स में जाकर के देख सकते हैं। सो आपको यहाँ पर जिस भी व्यक्ति के बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करना है आप उसकी UPI ID को भी एंटर करके पेमेंट कर सकते हैं। सो आप सबसे पहले सामने वाले पर्सन से उसकी UPI ID को पूछ लीजिए एंड UPI ID जब आपको उसकी UPI ID पता चल जाए तो आप यहां पर देख सकते हैं बैंक अकाउंट के जस्ट बगल में एक ऑप्शन दिया गया है UPI ID करके। सो आप यहाँ पर इस UPI ID वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए एंड इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं एक ऑप्शन है एड UPI ID करके। सो आप यहाँ पर इस एड UPI ID वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए एंड इसके बाद आपको यहाँ पर जो भी UPI ID है उस UPI ID को यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा एंड इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ऑप्शन दिया गया है वेरीफाई का। सो आप यहाँ पर UPI ID को एंटर करने के बाद वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए एंड इसके बाद जब UPI ID वेरीफाई हो जाएगा तो आपको यहाँ पर आपका जो UPI ID का पेज है इसमें आपको वह UPI ID शो करेगा। सो आप वो यहाँ पर उस UPI ID वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए एंड इसके बाद आप डायरेक्टली जैसा कि प्रोसेस मैंने आपको सभी में बताया था सेम टू सेम प्रोसेस यहाँ पर भी है। यहाँ पर भी आपको पेमेंट के लिए जितना भी पेमेंट आपको एंटर करना है उतना पेमेंट आप एंटर कर दीजिएगा एंड उसके बाद आपका जो UPI पिन है उस UPI पिन को एंटर कर दीजिएगा एंड इसके बाद आपका जो भी पैसा है वो डायरेक्टली उस सामने वाले पर्सन के बैंक अकाउंट में पहुँच जाएगा। आपने जिसका भी UPI ID दिया था उस UPI ID से जो भी बैंक अकाउंट लिंक है उस बैंक अकाउंट में वह पैसा पहुंच जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी दूसरे वीडियोज़ में। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।